हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर आकिव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपरहिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में। किस मूवी की जेनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में। किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी एंड उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर आकिव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में। किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में। किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2/10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी एंड उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो आईएमडीबी की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आईएमडीबी की जानिब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2000 13 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायरेक्टर डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, किस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में। किस मूवी की जेनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में। किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानिब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानिब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आल टू आल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आल टू आल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी एंड उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर आकिव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में। किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में। किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। ये हो गया एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2/10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर आकिव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2000 13 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में। किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में। किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी एंड उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर आकिव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी एंड उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आल टू आल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आल टू आल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में। किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में। किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मींस मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मींस लोगों ने कितने % तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2/10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी एंड उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आल टू आल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आल टू आल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2000 13 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपरहिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, किस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में। किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में। किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी एंड उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, ऑल टू ऑल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आल टू आल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आल टू आल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में। किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में। किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2/10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। ये हो गया एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानिब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानिब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आल टू आल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आल टू आल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2000 13 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में, किस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर आकिव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट और एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट और म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट और म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में, किस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। ये हो गया एक बहुत ही सुपरहिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जेनर के बारे में। किस मूवी की जेनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में। किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रहीं, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की जैनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनर के बारे में, किस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 40 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 out of 10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी एंड उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर आकिव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में। किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में। किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया, तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी यहाँ पर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपरहिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी साल 2013 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी ये जवानी है दीवानी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स मूवी का जैनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को एंड लाइक किया या डिसलाइक किया तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्या मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांस एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट में कंप्लीट होने वाली एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए, तो ज़रूर देखना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, काल्की कोएचलिन, आदित्य रॉय कपूर, अयान मुकर्जी, कुणाल रॉय कपूर जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया इस मूवी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2/10, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 70% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी की पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर्स के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो यहाँ पर अयान मुकर्जी ही आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभालते हुए दिखाई देंगे। मेन डायलॉग्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुसैन दलाल जी आपको इस मूवी के मेन डायलॉग्स के राइटर दिखाई देंगे, जबकि मेन स्टोरी लाइन की बात करें तो अयान मुकर्जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी और उनके साथ करण जौहर जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर वी. मानिकंदन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर्स के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अकीव अली जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रीतम जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल म्यूजिक को अरेंज किया, चाहे वो बैकग्राउंड का म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स वगैरह हो, आर्ट वाल म्यूजिक को प्रीतम जी ने ही अरेंज किया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स एंड एरोस इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मींस किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो 31 मई 2013 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 31 मई 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि ये किस कंट्री की मूवी थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए पैसा कितना लगाया गया था एंड कितना पैसा कमाया गया इस मूवी से, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप। तो यहाँ पर बजट की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था 2013 के अंदर वो था यहाँ पर 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा, मतलब 40 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर इस मूवी से 320 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए गए। यह एक बहुत ही सुपर हिट मूवी का रिकॉर्ड है एंड आई थिंक आप लोगों को एक दफ़ा तो इस मूवी को जरूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग इस मूवी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।